मैं ये समझा दूं अपने दर्शकों को कि ये घर घर राशन योजना दरअसल है क्या जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के 72 लाख लोगों को घर पर राशन पहुंचाया जाना था। हर महीने 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और चीनी की डोर स्टेप डिलीवरी यानी उनके घर तक राशन की डिलीवरी होनी थी। बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन के साथ ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की जाती। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही डिलीवरी एजेंट राशन की डिलीवरी करता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि जैसे हमने सारी तैयारी कर ली, पहले तो केंद्र ने कोई आपत्ति जताई नहीं, अब वो एकदम से आपत्ति जता रहे हैं। बोले संजीव झा, उमेश सैकल साहब भी कह रहे हैं चिट्ठी तो दुनिया भर लिखती है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको मंजूरी मिल गई। देखिए, मुझे लगता है उमेश सहगल जो चीफ सेक्रेटरी हैं और इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि स्टेट वितरण का अधिकार स्टेट के पास है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जब 2018 में कैबिनेट में ये लाया गया, उसके बाद दो स्टेट और इंप्लीमेंट किया, एक में हरियाणा भी दो डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा गुड़गांव में और एक और डिस्ट्रिक्ट पानीपत में मेरे ख्याल से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आंध्रा ने भी अपने यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसको पायलट कर रहा है कि होम स्टेप डिलीवरी कर रहा है। और मोर ओवर इस इलेक्शन में तमिलनाडु में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि हम राशन की होम डिलीवरी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है या बाकी स्टेट ने इसको नहीं किया है। संभव नहीं है या नहीं कर रही है, बाकी स्टेट ने कैसे किया है वो दूसरी चीज है। सवाल ये है कि आप अपने हिसाब से कानून की व्याख्या कर रहे हैं, वो दूसरी चीज है। नहीं, मैं अपने हिसाब से कानून की व्याख्या नहीं करा, मैंने कहा कि अगर वितरण स्टेट नहीं कर सकती या वितरण कोई मॉडल नहीं, कानून में कहीं नहीं है ये बात। और ऑलरेडी दो स्टेट लास्ट होम डिलीवरी हरियाणा और आंध्रा अपने यहाँ कर रही है, शुरू कर दिया, उन्होंने पायलट कर रहे हैं वो लोग, पहली बात। दूसरी बात, देखिए राशन माफिया पूरे देश में, पूछ लेता हूँ हरियाणा और आंध्रा कैसे कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मानव जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, फिर नीतू जी आपके पास आ रहा हूँ। मानव जायसवाल, सवाल यह है कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा अब अधिकतर वो टकराव, आपकी पार्टी की भी सरकार है कि वेस्ट बंगाल में भी काफी टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक परिपाटी सी बनती जा रही है कि केंद्र सरकार को हर चीज पे ऐसे घेरा जाए जैसे ये लगे कि केंद्र सरकार दूसरी पार्टियों की सरकारों के साथ वैसा सहयोग नहीं कर रही है। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं तो पहले सभी को नमस्कार कहता हूँ, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं। और गौरव जी, आपने बहुत सही बात करी अभी जो आपने बोला कि केंद्र सरकार दूसरी पार्टियों को, ये जो फर्क है ना, ये जो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी है वो समन्वय रखना ही नहीं चाहती किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी से। जहां उनकी अपनी सरकार है, जो बीजेपी शासित राज्य है, उसमें चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो बोलते नहीं है कि वो नतमस्तक है। और जहां दूसरी सरकारें हैं, जहां हमारी सरकार है, हम घर घर नहीं, दिल्ली में क्या गलत हो रहा है इनको, दिल्ली में केंद्र सरकार की आपत्ति में क्या गलत हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड काल में अगर कोई सरकार एक सर्विस मुहैया कराती है अपने नागरिकों को, तो इसमें क्या गलत है, क्या हस्तक्षेप करने की जरूरत है? आपके पास प्रोटोकॉल है, आपको मशीनी लड़ाई लड़नी है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इस समय हम उनको राशन उनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि हम कोविड से भी बच सके। और ये एक पन दो काज हो रहा है, पहला काम हो रहा है कि सही लोगों को राशन मिल रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि कोविड काल में आप ट्रैक कर सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ आपकी अच्छा हो सकता है। मानो जी, इंटेंशन अच्छा हो सकता है लेकिन देश कानून से चलता है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में साफ कहा गया है कि ये जो सरकार का हाईली सब्सिडाइज अनाज है, राज्य सरकार इसको अपने हिसाब से अपनी योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो या तो फिर आप संसद में आवाज उठाइए, उस कानून को बदलवा दीजिए और फिर आप जो इंटेंशन है आप उसको लागू करिए। नहीं 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 सर, ये तो इस तरीके से आप जो उसको जो जिस दूसरे माहौल में जो लेके जा रहे हैं, पहली बात हमको ये बताइए कि राज्य सरकार सर्विस प्रोवाइड करे या ना करे, डिस्ट्रीब्यूशन तो राज्य सरकार का मसला है, उसकी जवाब। चलिए, मैं आपकी बात को पूछूंगा नीतू जी से, लेकिन देखिए यहाँ पर इंटेंशन अरविंद केजरीवाल का भी दूसरा लग रहा है। खबर दिखाता हूँ, आपकी सरकार से जुड़ी खबर है, फिर आता हूँ। बंगाल वर्सेस केंद्र पर भी अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उन्होंने कहा कि मुसीबत के वक्त भी सबसे लड़ रही है केंद्र सरकार, आप ममता दीदी और झारखंड सरकार से भी झगड़ रहे हैं, किसानों और कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा देश, हम सब आपके ही हैं। अब सवाल है कि वो दिल्ली की बात करने आए थे कि बाकी सारे राज्यों की बात करने आए थे? कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है, आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है, ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं।
देखिए मुझे जानकारी दी जा रही है कि इस मुद्दे पर थोड़ी देर में बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन नीतू डबास सवाल राशन का था, बंगाल भी पहुंच गया, झारखंड भी पहुंच गया और महाराष्ट्र भी पहुंच गया। जी देखिए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के का ये बहुत अच्छा स्टाइल है कि जब भी कोई भी केंद्र की तरफ से कोई भी बात उनको वापस की जाती है तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि उस पर रोक लगा दी गई है और लोगों के अधिकारों का हनन हो गया है। जैसा संजीव जी ने यहाँ पर तमाम राज्यों का नाम गिनाया, वहां पर जैसे केंद्र सरकार की एनएफएस एक्ट के तहत जो जो नियम कायदे हैं कि ई पोस मशीन होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, दिल्ली में ऐसे नियमों की धज्जिया उड़ाई गई है। हम सभी ने जो संदीप जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के एमएलए थे कि कैसे राशन कार्ड बनाने के नाम पर वो सेक्सुअल फेवर मांगते थे और कैसे यहाँ पर इन्होंने एक गंद दिल्ली में मचाया था, इसी के उसी के ऊपर रोक लगाने के लिए एलजी के द्वारा ये फाइल वापस की गई है और ये रिव्यू करने के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब ये आपके नहीं, मैं तो उससे आगे का सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नीतू कि क्या इसी इस मुद्दे के बहाने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं में विपक्ष को न केवल एक साथ लाने बल्कि उस मोर्चे का नेता बनने की होड़ है, क्या ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो खुद को विपक्ष का नेता बनाने के लिए कि बना वो पोर्ट्रे करते हुए दिख रहे हैं खुद को? देखिए गौरव जी, यहाँ पर जैसा कठिन समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की कोशिश ये है कि जो नीडी लोग हैं उन तक ये चीजें पहुंचे। अब यहाँ पर उनको राजनीति करनी है तो राजनीति वो कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ये योजना रोक दी गई, एलजी के द्वारा इसको रोक दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।